हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल एनसीईआरटी बुक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम मैथ्स के क्वेश्चन हैं हमारे पास कुछ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके स्क्रीन पर आप दिखा देते हैं, चार क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो एक एक करके आप देख लें और उसके ऑप्शन दे रखे हैं। और हमारे सॉल्व करने से पहले अगर आप आंसर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं उसका। तो देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन और उसके चार क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे, इनमें से एक राइट है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है, इसके ऑप्शन हैं, आंसर देख सकते हैं हम। और फोर्थ क्वेश्चन ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसको हम अच्छे से देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ए अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू सी अपॉन जेड माइनस एक्स। ये 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, कोई आइडिया? तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इन सब की वैल्यू हम के मान लेते हैं, सबसे पहले इनको के मान लेते हैं। तो कंपेयर कर, वन बाय वन कंपेयर कर लेंगे के से, एक बार इसकी कंपेयर करेंगे, एक बार इसकी, एक बार इसकी। तो स्टार्टिंग से करते हैं यहाँ पे ए अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ए हमारा निकल जाएगा के एक्स माइनस वाई, ये निकल जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हम बी वाला करेंगे, वी माइनस जेड इक्वल टू के, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे k y माइनस जेड, ये आएगा। ऐसे ही हम c अपॉन जेड माइ y माइनस जेड की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर k के साथ, तो यहाँ पर c की वैल्यू निकल जाएगी आपका k y माइनस जेड, ठीक है। तो इक्वेशन वन टू थ्री मान लेते हैं इन सभी को और ऐड कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी ये सबको ऐड कर देंगे, तो आपका k एक्स माइनस वाई प्लस के वाई माइनस जेड प्लस के जेड माइनस एक्स, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबको वैलिड रख लेते हैं, यहाँ पे के देखो सब में कॉमन है, तो के की कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा आपका एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस एक माइनस सब भी में देख रहे हैं, यह एक्स का प्लस है, ये वाई एक्स का माइनस है, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल हो गया, आ गया टोटल ज़ीरो। क्या आ गया? ज़ीरो। तो के इंटू ज़ीरो इजक्ल टू ज़ीरो। तो ए प्लस वी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ज़ीरो आ गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ज़ीरो आंसर राइट हो जाएगा। ओके, कौन सा होगा राइट? ज़ीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्वेश्चन है और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2018 में कंडक्ट हुआ था पेपर, और लेकिन जो भर्ती थी वो 2017 की थी, तो 18 में कंडक्ट हुआ है। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं इसके, एक तो एक्स प्लस वाई को एक्स टी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी टी हो जाएगा, तो ये आपका जो है फर्स्ट इंटीग्रल और सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है, उससे बन जाएगा। लेकिन इससे सीधा एक और मेथड है, उससे करते हैं हम क्या करते हैं, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। इसका डी वाई डी एक्स करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे इसका, याद रखना हमेशा डी वाई डी एक्स करेंगे लॉग एक्स की, तो हमेशा वन बाई एक्स आता है, समाकलन सॉरी अवकलन जो होता है लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको, याद रखना। तो इसका डी वाई डी एक्स करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू में पूरा ये है, तो ये आपका आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब याद रखना जब भी ये वैल्यू चेंज होते हैं तो इसके जो लिमिट है ना वो भी चेंज होते हैं हमारे, तो वो लिमिट भी चेंज कर दो जब जब एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू रहती है,
जब एक्स जीरो होगा तो टी कितना निकलेगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखो लॉग वन प्लस ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है पता ही होगा, ज़ीरो होती है। तो लॉग वन ज़ीरो, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। और जब एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तब टी की वैल्यू कितना निकलेगा, लॉग वन प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर ज़ीरो ही आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग वन टी। तो टी की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी आपका ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है, क्लियर, दैट इज़ क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम अब इसकी लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब ये लिमिट चेंज होगी, ज़ीरो टेंस टू ज़ीरो हो गई है, और यहाँ पे हमने लॉग एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हमने एक्स टी मान रखा है, और ये वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका डी टी आ गया है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम टी इंटू डी टी, ये रख देंगे हम, ठीक है। ये क्यों आया, टी क्यों रखा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, टी है, और वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, डी टी है, यहाँ से हमने पुट कर दिया। तो आप सभी को पता होगा कि टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, जब कोई भी एक्स हो, एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू आता है, क्योंकि जो इसकी पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, और अपॉन में भी ऐड हो जाते हैं, ऐसे आपका बन जाता है। तो सेम ऐसे ही आपका बनेगा टी स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट ज़ीरो टेंस टू ज़ीरो। तो ज़ीरो रखो एक बार, ज़ीरो का स्क्वायर टू, माइनस आ जाएगा बीच में, ज़ीरो का स्क्वायर टू, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का स्क्वायर ज़ीरो है, ज़ीरो आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही था इसका, ठीक है, डी ऑप्शन सही था इसका, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2014 का क्वेश्चन है, यहाँ पे है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें, तो इसको पहले सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के एक्स आएगा प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये होगा, ठीक है। इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इससे हम कंपेयर कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगा, वी का वैल्यू क्या आएगा माइनस टू के, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स है। देखो कंपेयर करो ना, यहाँ से बी, बी की जगह पर ये है, ए की जगह पर ये है, सी, सी की जगह पर ये है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू आता हमारा वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जहां डी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पर डी इक्वल टू जीरो। देखो डिस्क्रिमिनेंट का जो वो होता है ना, डी जीरो भी हो सकता है, डी बड़ा भी हो सकता है जीरो से, और डी छोटा भी हो सकता है जीरो से, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे जीरो रखना पड़ेगा, तो रखो जीरो, तो डी जीरो हो गया हमारा इक्वल बी, बी देखो हमारा कितना है माइनस टू के इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए हमारा क्या है, के है, इंटू सी, सी हमारे क्या है, सिक्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर आएगा के स्क्वायर, ठीक है, माइनस आएगा छः चौको चौबीस, चौबीस के, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से फोर है, यहाँ पर भी फोर है, और यहाँ के है, यहाँ पर के है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब फोर कॉमन लेते तो सिक्स बचा है यहाँ पर, छः चौको चौबीस होते हैं, इसलिए ये कर लिया, ठीक है। और एक बार जीरो इसको ले लो, और एक बार जीरो इसको ले लो, तो फोर के इक्वल टू ज़ीरो एक बार, और k
के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो है, एक दूसरे के फैक्टर है वो। तो यहाँ से तो आपका आ गया के इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आ गया आपका के इक्वल टू सिक्स। अब ये दो आंसर आ गए, जो आपका ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जीरो, के की वैल्यू क्या आएगी जीरो। दो ऑप्शन कहीं हो नहीं सकता, अगर दोनों ऑप्शन मिल गए तो दोनों आंसर सही होंगे, और अलग अलग दोनों आंसर दिए नहीं होंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी, बाकी आई होप समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास माइनस वन से लेके वन तक, और मॉड में है हमारे पास एक्स डी एक्स। याद रखना जब भी क्वेश्चन मॉड का हो ना, इसके लिए जो वो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट ए टेंस टू ज़ीरो मॉड एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टेंस टू बी मॉड एक्स डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला रहता है, इसको याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हमको अप्लाई करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, ए क्या है हमारे भाई, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ए और बी ये है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको देख देते हैं। तो रखो इसकी वैल्यू माइनस वन से लेके जीरो तक रखना है मॉड एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जीरो से लेके वन तक रखना है मॉड एक्स डी एक्स। अब इनका मॉड हमको हटाना है, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है, मॉड जब हटता है तो माइनस आ जाता है इसके बाहर से, ये आपकी लिमिट वही रहती है एक्स डी एक्स बन जाता है, ये फॉर्मूला रहता है आपका। ठीक है, ये अब सभी को बताया कि समाकलन करते वक्त, ठीक है, इंटीग्रेशन करते वक्त एक्स डी एक्स करेंगे, तो सभी को बताया कि एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था इसके बारे में, तो ये हो जाता है, तो यहाँ पर भी यही होगा माइनस ये आएगा, और इसकी जो लिमिट है यहाँ से यहाँ तक प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट जीरो से लेके वन तक। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आगे सबसे पहले हम इस जीरो की वैल्यू रखेंगे, एक बार इसमें माइनस लगा के फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीरो की वैल्यू रखेंगे, जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो आएगा जीरो अपॉन टू, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा वन अपॉन टू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस फिर वन का स्क्वायर करोगे वन अपॉन टू माइनस जीरो अपॉन टू। तो ये तो ठीक है, ये तो जीरो हो गया, जीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा वन अपॉन टू आएगा बाहर से, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तो जीरो ही हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है और वन अपॉन टू आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो है, जीरो में से वन अपॉन टू माइनस करोगे जीरो को तो आपका वन अपॉन टू ही आएगा, तो प्लस वन अपॉन टू, इसको सॉल्व करोगे टू अपॉन टू आएगा, कैंसिल होके वन बन जाएगा, वन आपका आंसर होगा, जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं आंसर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें हमारे चैनल को। मैं अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए होते होंगे तो मैं टॉपिक वाइज कवर करवा दूंगा आपका कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।